हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं अंजना माता मंदिर। अंजनी माता मंदिर हिमगिरी के भड़ेला गांव में एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पर बसा है ये मंदिर। अंजनी माता मंदिर के लिए बहुत ही छोटी सी हाइक है और आप इजीली यहां तक प्लान कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पूरी हाइक इस छोटी सी वीडियो में। हमने अपनी जर्नी चंबा से सुबह 11 बजे के करीब शुरू करी थी और 2:30 बजे के करीब हम भड़ेला गांव जहां से ये हाइक शुरू होती है वहां पहुंच गए थे। चंबा से भड़ेला पहुंचने में आपको 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगेगा और यहां तक की रोड की कंडीशन नॉर्मल है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, और आप किसी भी तरह के व्हीकल में यहां तक इसलिए आ सकते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं अंजना माता मंदिर, जो कि हिमगिरी के भड़ेला गांव से 1 घंटे का ट्रैक है और चंबा से हमें यहाँ 3-3.5 घंटे का टाइम लग गया पहुँचने में अपने अपने मोटरसाइकिल्स पे। और रास्ते में वैद्य ने भी साथ नहीं दिया, एक दो जगह हमें रुकना पड़ा हैवी रेनफॉल के कारण। और यहाँ पर हमें सराउंडिंग के लोगों ने बताया कि 1 घंटे का ट्रैक है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है और ट्रैक भी पूरा वेल मेंटेन्ड है, पक्का ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। लस्सी की दिन पे पहुँचते हैं हम। और रास्ते में मौका मिला ये बेरीज खाने का, जिन्हें हमारी लोकल भाषा में कैमलो कहते हैं। मॉनसून में ट्रैक करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको धूप बिल्कुल भी तंग नहीं करती, लेकिन ऐसे टाइम पे चारों तरफ हैवी फॉग होता है और विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है और कई बार आप अपने ट्रैक से भटक भी सकते हैं। और जब हम अंजनी माता मंदिर पहुंचे उस वक्त वहां पे बहुत ही ज्यादा फॉग था।
अंजनी माता मंदिर एक बहुत ही छोटी सी हाइक है और कोई भी इसके लिए इजीली प्लान कर सकता है। बरेला गांव जहाँ से ये हाइक शुरू होती है वहाँ से मंदिर तक पहुँचने में आपको 45 मिनट से लेकर 1.25 घंटे तक का टाइम लगेगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो अंजना माता ट्रैक की। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।